हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रविवार को 99 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे। वो अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते थे, लेकिन साईं बाबा की पूजा का विरोध कर उन्होंने अच्छा खासा विवाद खड़ा कर दिया था। वो मंदिरों में साईं की मूर्ति का विरोध करते थे। साथ ही उनका कहना था कि ये हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश है। साईं के विरोध को लेकर उनके भक्तों ने शंकराचार्य का खूब विरोध किया था। इसके बावजूद वो आखिरी सांस तक अपनी बातों पर अड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने एक बार एक पत्रकार को थप्पड़ भी जड़ दिया था। राम मंदिर मुहूर्त को लेकर भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाया था। आइए बताते हैं साईं बाबा से जुड़े उस विवाद के बारे में। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शिरडी वाले साईं बाबा की पूजा के खिलाफ थे। 2014 में उन्होंने बयान दिया था कि साईं की पूजा हिंदू धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्य यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि साईं की पूजा करने वाले लोग न तो भगवान राम की पूजा करें और न ही गंगा यमुना में स्नान करें। इसके साथ ही उन्हें हर हर महादेव का जाप भी नहीं करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि शिरडी वाले साईं कहते हैं सबका मालिक एक। शंकराचार्य ने पूछा कि सबका मालिक और एक का क्या मतलब है। उन्होंने कहा था कि सबका मतलब ये हो सकता है कि सभी धर्म के मालिक, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने सवाल किया था कि इन सब में शिरडी का साईं बाबा आता है कि नहीं, उनका भी तो कोई मालिक होगा। मैं उनसे पूछता हूं कि उनका मालिक कौन है, अगर वो निराकार है तो मंदिर क्यों बना। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के भक्तों से पूछा था कि हमें बताओ कि उनका मालिक कौन है। शंकराचार्य ने उस वक्त कहा था कि साईं पूजन से राम मंदिर की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की कुछ ज्यादा ही पूजा हो रही है, इसलिए वहां दुर्भिक्ष यानी अकाल हो रहा है। हमने ये बताया था कि जहां अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां पर त्रिवी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणमयम। तीन दोष होते हैं, दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। तो ये नियम है। तो हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की पूजा बहुत अधिक हो रही है, उसका ये परिणाम हो रहा है कि वहां दुर्भिक्ष हो रहा है। तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शास्त्र का जो वचन है उसको उद्धृत करके ये बताया है। विरोध के बीच उनसे सवाल किया गया था कि साईं के दर पर सभी लोग जाते हैं, उनका विरोध कैसे करेंगे। इस पर शंकराचार्य ने कहा था कि यह भ्रम पैदा किया गया है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। मुस्लिम तो मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो वे मंदिर के अंदर क्यों जाएंगे। सच्चे मुसलमान तो वहां जाते नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। वो हिंदू नहीं थे। हमारे मंदिरों में एक मुसलमान की मूर्ति रखी जा रही है। अगर हम ये सब नहीं रोकते हैं तो कुछ ही दिनों में मरियम की मूर्ति भी आ जाएगी। उस समय शंकराचार्य ने कहा था कि आप इनकी पूजा ना करें, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का पालन कीजिए, आप मिलावट क्यों करते हैं। आपको कोई चाहत है तो आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें। अब लोगों को पता चलेगा कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी थी। जुलाई 2014 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुरजोर तरीके से साईं मंदिर विवाद को तूल दिया था। इसके बाद पूरे देश में साईं भक्तों ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ देश में कई जगहों पर केस भी दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र में उनका पुतला भी फूंका गया था। शंकराचार्य ने साईं ट्रस्ट के लोगों को चुनौती दी थी कि हमारे साथ आकर तर्क वितर्क करें।
साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर में उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। इस पर उन्होंने पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया था। उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस पर कांग्रेस ने कहा था कि उनसे सियासी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर की नींव रखने की तारीख तय हुई तो इसका भी स्वरूपानंद सरस्वती ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए ये अशुभ मुहूर्त है। इसके साथ ही उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।